कांग्रेस के सीनियर लीडर महबूब पाशा को हुकूमत कर्नाटक ने श्री कंठीरवा स्टूडियो का चेयरमैन नामजद किया है। आज महबूब पाशा ने कंठीरवा स्टूडियो पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा लिया। कनाडा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अदाकार, अदीब, हिदायतकार और सियासी लीडरान कंठीरवा स्टूडियो पहुंचकर महबूब पाशा को मुबारकबादी पेश की। वाज़ह रहे, कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री के लिए कंठीरवा स्टूडियो काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस स्टूडियो के तहत फिल्म बनाने और इसे तैयार करने के लिए तमाम चीज़ों को फराहम करने, सहूलियात देने के लिए कंठीरवा स्टूडियो जाना जाता है। 1966 में इस स्टूडियो की बुनियाद डाली गई थी। इस स्टूडियो को रियासत में विकार की नज़र से देखा जाता है। चार्ज लेने के बाद महबूब पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री समाज में असर रखती है, समाज को पैगाम पहुँचाती है। अच्छी फिल्मों की वजह से समाज में अच्छा पैगाम पहुँचता है। कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और इनके तमाम ज़रूरियात को पूरा करना ही हमारा मकसद है। इस मौके पर मारूफ कॉलमनिस्ट अदीब मोहम्मद आजम शाहिद और दिगर अहम लोगों ने कंठीरवा स्टूडियो पहुंचकर महबूब पाशा को मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर तमाम लोगों ने खुशी का इजहार किया कि कंठीरवा स्टूडियो के तहत मुल्क के लिए कनाडा इंडस्ट्री में काफ़ी अहमियत मिलेगी। मुल्क में जिस तरह से जुनूबी हिंद के फिल्मों को सराहा जा रहा है, कनाडा फिल्मों को भी सराहा जाएगा। चारा, अभी आज ही ले आऊँ तो ये सिनेमा फील्ड का जो सिनेमा शूटिंग करते हैं उसका एक स्टूडियो है और इसका शूटिंग से लेकर फिनिशिंग तक लैब वगैरह मिला के फाइनली रिले पिक्चर जो रिले होता है तब तक भी काम है इसमें, ये फील्ड में, ये स्टूडियो में। कर्नाटक के लिए बहुत अहम रखने का स्टूडियो है सिनेमा फील्ड के लिए, और ये बहुत पुराना स्टूडियो है। 50 पर 8 साल हो गए इसको शुरू होते हुए, 1966 का है। तो ये स्टूडियो को एक उसका ही एक इतिहास है और इसको इम्प्रूव करना हमारा फ़र्ज़ है और इसको लेके जाना है, क्योंकि सिनेमा एक फील्ड है, हर इंसान को मैसेज दे सकता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गवार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। वो ये एक ही फील्ड है, हर तबके के लोगों को मैसेज पहुंचा सकता है। अच्छे मैसेज पहुंचाने के सिनेमा आया तो अच्छा मैसेज जाएगा, या बुरा आया तो बुरा आएगा। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसको सबको साथ लेके और इसको अच्छे तरीके से इसको डेवलप करने का कोशिश जारी रखता हूँ करके आपके मुताबिक मैं बोलना चाहता हूँ। ज़रूर, फिल्म इंडस्ट्री को नहीं, उनको क्या ज़रूरत है वो पूरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है इधर। सर, आप पहला जो आप लोगों के वास्ते क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके जरिए, जो भी कर ये वीडियो देखते हैं? इसमें लोगों का मैसेज देने के लिए कुछ नहीं है, हम ये ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और इनका फिल्म इंडस्ट्री वाले को जो भी ज़रूरत है वो इस स्टूडियो के अंदर हम इम्प्रूव करके उनको फैसिलिटी देंगे, तो ताकि वो यूटिलाइज करके लोगों तक उन्हों अच्छी फिल्म बना सकते। जैसा आप बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा मीडियम है फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन कुछ लोग इसे नफरत फैलाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे इंडस्ट्री में। कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से काम करेगी के लिए वो देखना पड़ेगा। वो कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में उतना नफरत फैलाने के पिक्चर्स नहीं है आज एंड टुडे, हिंदी में ज़्यादा निकल रहे हैं, कनाडा में उतना नहीं है नफरत फैलाने के। इधर थोड़ा देशभक्ति का और सेक्युलर और नेशनल इंटीग्रिटी का बारे में जो भी पिक्चर में निकालते हैं उसके लिए कर्नाटक सरकार सब्सिडी भी देती है, तो वैसे फिल्मों को हर सरकार प्रोत्साहन धन भी देती है, तो वैसे फिल्मों निकालने से उनको कमर्शियली उनको बेनिफिट होता नहीं होता मालूम नहीं ना, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होता है। हमारा क्या मकसद है, हम लोग लोकेशन को रेडी करके देने का हमारा
मकसद है, उनको कैसा चाहिए वैसा हम करने का हमारा फर्ज बनता है। जनाब महबूब पाशा जो हैं ग्रास रूट लेवल से पार्टी में काम करते आए हैं और हमेशा उन्होंने सेक्युलर जो खदरे हैं उनके लिए इस्तेहकाम बख्शने का काम किया है और सोशल सर्विस में भी उनका काफ़ी तजुर्बा रहा है। हुकूमत कर्नाटक ने उनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें यह मौका दिया है कि वो यहाँ कंटीरवा स्टूडियो की उन्हें चेयरमैन उन्हें यहाँ वो ये जिम्मेदारी दी गई है। कंटीरवा स्टूडियो कर्नाटक की जो फिल्मी तारीख रही है, फिल्म इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री रही है, इसमें एक बहुत बड़ा ये इदारा है। फिल्म प्रोडक्शन के लिहाज से ये कंटीरवा स्टूडियो में फर्स्ट स्टेप से लेकर फिल्म रिलीज़ होने तक के जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं इसमें कवर किए जाते रहे हैं। और एक ज़माना था कि ये जो कंटीरवा स्टूडियो है सारे साउथ इंडिया में बड़ी मशहूर थी, न सिर्फ कन्नड़ बल्कि दीगर फिल्मों की भी प्रोडक्शन यहाँ हुई है। अब हुकूमत कर्नाटक ने इसमें नई जान भरने के लिए, नई रूह फूंकने के लिए एक एक्टिव शख्सियत को इसकी जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूँ कि इसके बड़े बेहतर नतीजे निकलेंगे, क्योंकि महबूब पाशा जो हैं सिर्फ हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा करने का, नया करने का वो सोचेंगे। इस लिहाज से उम्मीद है कि अच्छे नतीजे सामने आएंगे। सर नावेल कंटीरवा स्टूडियो शेयर होलडर्स स्वल्प स्टूडियो इन स्वल्प इंप्रूव माडबेको, इन स्वल्प आदाय चेना बरंगे ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಐಕ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಅದೇ ನೋಡಬೇಕು ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಸರ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತೆ, ಒತ್ತವರಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಟ ನಟಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವರು, ಕರ್ಬೋಸವಿನವರು, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಸಿ ಎಸ್ ಮಠದವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದು 150 ಜನ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ತಪ್ಪು ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರದ್ದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 50% 100% ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನಡೆದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್. ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅವರಾಗಿರೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಸರ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಪಕ್ಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.